हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे पास है नार्जो का 50A फ़ोन, रियलमी नार्जो 50A, जिस पे प्रॉब्लम है कि कैमरा और फिंगरप्रिंट इसका काम नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम कैमरे को ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ये डायरेक्टली बैक हो जाके होम स्क्रीन पे आ जा रहा है, और जब हम आपको फिंगरप्रिंट चेक कराते हैं कि फिंगरप्रिंट में भी सेम ऐसे ही प्रॉब्लम है, फिंगरप्रिंट का जैसे ही फिंगर ऐड करेंगे उसका लॉक स्क्रीन ऑन करके तो सिर्फ ब्लिंक करता है फिंगरप्रिंट सिंबल पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, ये हमारा फिंगरप्रिंट का जो सीन है वो आपके सामने है। तो दोस्तों चलिए इसे हम रिपेयरिंग करते हैं, और इस वीडियो में आपको कैमरा रिपेयरिंग करके दिखाऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिंगरप्रिंट रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इन दोनों का कनेक्शन भी अलग अलग है, तो वीडियो अलग अलग ही आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले, और देखिए दोस्तों, इसका फ्लैश लाइट भी वर्क नहीं करता है, आपको दिखा दें। और फ्लैश लाइट का जो सिंबल था वो डार्क था, वर्किंग पे नहीं था। चलिए इसे हम खोल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इस पर कुछ काम हुआ है कि नहीं। कस्टमर कह रहे थे कि वो फ्लैश लाइट दिखाने के लिए कहीं दिए थे, उसके बाद से ये कैमरा ऑफ हो गया है। पहले इसका कैमरा काम कर रहा था जब वो मोबाइल को नहीं खुलवाए थे तब। तो देखिए दोस्तों, ये है रियलमी नार्जो 50A का मदरबोर्ड, और यह है देखिए फ्लैश लाइट और बैक कैमरा का सेक्शन। और यहाँ पे फ्लैश लाइट पे इसका सील्ड ओपन है और काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच भी है, हमें लगता है शायद साइड स्क्रैच करके फ्लैश लाइट को चेक किए होंगे या कुछ भी किए होंगे। खैर चलिए देखते हैं हम कि इसे थोड़ा क्लीन करने के बाद कि जो प्रॉब्लम थी वो एक्चुअल में सॉल्व हो पाएगी कि नहीं, या फिर कैमरा नॉट वर्किंग का क्या रीज़न है। देखिए दोस्तों, ये हमारा कैमरा कनेक्टर है, और जिस पे हम थोड़ा रीडिंग को ले लेते हैं और तभी हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगी रीडिंग के वजह से ही। दोस्तों मैं अभी डे में वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉइसेस है। यहाँ पे देखिए सारे कनेक्टर की सप्लाई के पिनों को टेस्ट करते हुए 490, और इस पे दोस्तों देखिए कोई सा भी रीडिंग नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक पिन होता है वहाँ से कनेक्शन छोड़ दिया है, और जब इसे हम साइड से पिन को टच करते हैं तो 489 के समथिंग कुछ रीडिंग है। और फिर हम सारे पिनों को चेक करते हुए फिर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो आई थिंक एक पिन उखड़ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दोस्तों अभी हमारे पास कैमरा कनेक्टर नहीं है, नहीं तो हम इसे चेंज कर देते तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। फिर इस पे हमने एक माइंड लगाया कि डायरेक्ट जैक से उठा के कैमरा के पिन पे जहाँ से कनेक्शन टूटा हुआ है डायरेक्ट उसको जम्फर कर देते हैं, क्योंकि एक ही पिन की बात है, ऐसे अगर दो चार पिन भी टूटी हों तो जम्फर करके प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। दोस्तों जब मैं काम कर रहा था उस टाइम कुछ कस्टमर आ गए थे तो मैंने वीडियो रोक दी थी, और जब मैं दोबारा काम करना स्टार्ट किया तो वीडियो ऑन करना भूल गया, जिसकी वजह से मैं उस टाइम जम्फर लगा चुका था, और आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने उसी पिन पर जम्फर लगाया है जिस पिन पर हमारा कैमरा का कनेक्शन टूटा था। देखिए आप जम्फर भी देख सकते हैं, मैंने फिट भी कर दिया, और हमें लगता है कि उसी की वजह से कैमरा काम नहीं कर रहा था। फिर मैं आपको चेक करा के लाइव दिखाता हूँ। और यहाँ पे अगर आप कैमरा कनेक्टर की रीडिंग लें तो उस रीडिंग में एक या दो सप्लाई हमारी पावर आईसी से आती है, जो कि VDD वोल्टेज 1.8
के आसपास होता है और बाकी की सप्लाई हमारी सीपीयू से आती है। तो रीडिंग से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। ये देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है और रियलमी के सेकेंड लोगो पे है और इसका हम लॉक ओपन करते हैं और फिर कैमरा ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पहले कैमरा होम स्क्रीन पे आ जा रहा था टैप करने पे, ये थोड़ी मोबाइल हमें लगता है लैग कर रही है और फाइनली देखिए हमारा कैमरा ऑन हो गया है। तो एक कनेक्शन टूटने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम थी, देखिए रिकॉर्ड हो रही है वीडियो और वही प्रॉब्लम की वजह से कैमरा काम नहीं कर रहा था। इस तरीके से आप भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।